प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, हाल ही में हम लोगों ने मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के जन्मोत्सव को प्रथम ख्रिस्त जयंती के रूप में मनाया। उन दिनों हमने ईश्वर का मनुष्य बनने, शब्द का देह बनने और चरनी में लेटे हुए बालक यीशु पर मनन किया। अब इसके कुछ ही दिनों बाद हम उनके युवा अवस्था की ओर बढ़ते हैं। यीशु की बाल्यावस्था और युवा अवस्था के बीच के जीवन के बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं मिलती है। हाँ, इतना हमसे कहा गया है कि यीशु नाजरत में अपने माता पिता के अधीन रहे। आज हम यर्दन नदी में प्रभु यीशु के बपतिस्मा का पर्व मना रहे हैं। अपने मिशन कार्य को आरंभ करने से पूर्व यीशु योहन बपतिस्ता से बपतिस्मा ग्रहण करते हैं और पवित्र आत्मा उस पर उतरकर उन्हें अभिषिक्त करता है। हालांकि यीशु को बपतिस्मा की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने योहन से यर्दन नदी में बपतिस्मा ग्रहण किया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्होंने अपने आप को हमारे सदृश बनाना चाहा। आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि बपतिस्मा के बाद स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कपोत के रूप में यीशु पर उतरा और पिता ईश्वर की वाणी यह कहते हुए उन्हें अभिषिक्त किया, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अति प्रसन्न हूं। आज के दूसरे पाठ में पेत्रुस यीशु के बपतिस्मा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पिता ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया। चूंकि बपतिस्मा के समय यीशु का अभिषेक पवित्र आत्मा से हुआ, वह हमारे लिए ख्रीस्त और मसीह बन गए हैं। आज के पहले पाठ में नबी इसाइयास सेवक के बारे में भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं कि वह पवित्र आत्मा से अभिषिक्त किया जाएगा। वह अंधों की आंखें खोल देगा और लोगों को पाप के बंधनों से मुक्त करेगा। यह भविष्यवाणी यीशु के आने से पूर्ण हो जाता है। यीशु का बपतिस्मा उनके जीवन के मकसद को व्यक्त करता है। हमें बचाने के लिए उन्होंने अपने ऊपर सभी के पापों को ढोया और अपने को क्रूस पर बलि चढ़ा दिया। हमारा बपतिस्मा भी मृत्यु तक हमारे संपूर्ण जीवन के मकसद को व्यक्त करता है। बपतिस्मा के द्वारा हम पापमय जीवन को त्याग कर पवित्रता के जीवन अर्थात यीशु के जीवन को जीना प्रारंभ करते हैं। हमें प्रत्येक दिन इस बपतिस्मा को जीने का अवसर मिलता है और प्रत्येक दिन हमें पापमय जीवन को त्याग कर यीशु का अनुसरण करने का अवसर मिलता है। संत पौलुस कहते हैं कि जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं तब हम यीशु के साथ मरते हैं, कब्र में प्रवेश करते हैं और उनके साथ पुनर्जीवित होकर नए जीवन की शुरुआत करते हैं, जो हमें अनंत जीवन की ओर अग्रसर करता है। बपतिस्मा का संस्कार हमारे जीवन में अत्यधिक प्रभाव डालता है। यह हमारे आदि पाप को मिटा देता है और हमें ईश्वरीय अनुकंपा का नया जीवन प्रदान करता है। यह हमें ईश्वर की ओर अग्रसर करता है और हमें पाप से दूर रहने में सहायता करता है। बपतिस्मा के द्वारा हम यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान के सहभागी बनते हैं। यीशु ने धार्मिकता के कार्य को पूरा करने के लिए योहन के बपतिस्मा को ग्रहण किया। बपतिस्मा के धार्मिक कार्य को हम तब पूरा करते हैं जब हम अपने को पाप से दूर रखकर यीशु ख्रीस्त के जीवन को जीते हैं। यदि हम जीवन भर अपने हृदय को यीशु के लिए खोल देते हैं और उनकी वाणी को सुनते हैं तो इसके द्वारा हमारी आत्मा को पोषण मिलता है और हम ईश्वर से सदा संयुक्त रहते हैं। प्रभु यीशु के बपतिस्मा के पर्व के दिन हमें यही याद दिलाया जाता है कि हम अपने बपतिस्मा के करार को फिर से नवीकृत करें और ख्रिस्त तथा कलीसिया की शिक्षाओं के प्रति ईमानदार बनने का प्रयास करें। हम अपने दैनिक जीवन में ईश्वर के मुक्तिप्रद कार्यों को जानने का प्रयास करें और हम
आनंद मनाएं, क्योंकि बपतिस्मा के जल द्वारा हमारी आत्मा को अनंत जीवन प्राप्त होता है। ईश्वर हमारी आत्मा को इस यूखरिस्तीय समारोह के द्वारा सदा पोषित करता रहे। आमीन।